मोहम्मद रिजवान बने इस साल के सबसे बड़े रिकॉर्ड ब्रेकर। साल 2021 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोहम्मद रिजवान को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में इतिहास रच दिया है। रिजवान T20 में एक कैलेंडर वर्ष में 2000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 208 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 11 ओवर में चौका लगाकर पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रिजवान एक कैलेंडर वर्ष में 55 से अधिक की औसत से ये रन बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान 45 पारियों में 130 की स्ट्राइक रेट से 2000 रन बनाने में सफल हो पाए हैं। रिजवान ने T20 में इस दौरान 18 50 जड़ी है। रिजवान ने 2000 रन में से पाकिस्तान के लिए 26 T20 इंटरनेशनल पारियों में 1293 रन बनाए हैं। इससे पहले अक्टूबर में रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 सेमीफाइनल के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 इंटरनेशनल रन पार करने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। रिजवान से पहले एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। क्रिस गेल ने एक कैलेंडर वर्ष में 1665 रन बनाए थे। ये रिकॉर्ड उन्होंने वर्ल्ड कप में तोड़ा था। रिजवान के सलामी जोड़ीदार और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम एक साल में सबसे अधिक T20 रन बनाने की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इस साल 1700 से अधिक रन बनाए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसे ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।